तो दोस्तों अगर आपका बजट इन 20,000 के आसपास है और अभी आप अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं या फिर अपने लिए कोई सा एक न्यू स्मार्टफोन परचेस करने वाले हैं और अभी आप ढूंढ रहे हैं कोई सा एक जबरदस्त स्मार्टफोन, तो मैंने आज आपके लिए इस वीडियो में कुछ तगड़े तगड़े स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट किया है जहां पे आपको फ्लैगशिप लेवल तक का प्रोसेसर मिलने वाला है, अच्छे खासे फ्लैगशिप लेवल तक के कैमरे की क्वालिटी मिल जाएगी, OIS का सपोर्ट है और उसके साथ से जितनी भी स्पेसिफिकेशन मिलती है वो भी एकदम तगड़ी दी गई है, जैसे कि हाई रिफ्रेश रेट वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है, अच्छी खासी बैटरी लाइफ है, अच्छा खासा डिजाइन है और टॉप नॉच लेवल का यूजर एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको प्रो फोटोग्राफी करने के लिए, व्लॉगिंग करने के लिए, हेवी गेमिंग या फिर कॉम्पिटेटिव खेलने के लिए कोई सा एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए था पर अभी आप कंफ्यूज है कि कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, तो मैंने आज आपके लिए सेलेक्ट किए हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Xiaomi की तरफ से Mi 11i। तो दोस्तों अगर आपका बजट 20,000 के आसपास है और अभी आप कोई सा एक बेस्ट Xiaomi का स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो Mi 11i आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होने वाली है। Redmi Note 11 Pro Plus भी एक अच्छा ऑप्शन है पर मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आपको उसे स्किप करना चाहिए अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी सेल चल रही है जहां पे आपको अच्छे खासे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं Mi 11i के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहां पे आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है, 360Hz का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा और 1200 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहां पे आपको MediaTek का Dimensity 920 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड पे आता है और MIUI पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलने वाला है। 4500mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि सपोर्ट करती है 67W के फास्ट चार्जिंग स्पीड को। बात करें अगर कैमरे फीचर्स की, तो यहां पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का मिलेगा, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर मिल जाएगा, 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है, उसके साथ साथ लॉन्ग एक्सपोजर, टाइम कंटिन्यूस शूटिंग और डायनेमिक फोटो जैसे फोटोग्राफिक मोड्स मिल जाएंगे। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको X-axis लीनियर वाइब्रेशन मोटर मिल जाएगी, वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम है, डॉल्बी एटमॉस की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन का 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 20,999 रुपीज में इंक्लूडिंग बैंक ऑफर। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M53। तो दोस्तों अगर आपको 20,000 के बजट में कोई एक जबरदस्त कैमरा सेंटर स्मार्टफोन चाहिए जहां पे आपको टॉप नॉच लेवल का यूजर एक्सपीरियंस भी मिल जाए, तो सैमसंग की तरफ से M53 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होने वाली है। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहां पे आपको 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है, कोर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिलने वाला है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहां पे आपको MediaTek का Dimensity 900 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन Android 12 पे आता है और One UI 4 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी मिलने वाली है जो कि सपोर्ट करती है 25W के फास्ट चार्जिंग स्पीड को। बात करें अगर कैमरा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा और चौथा कैमरा 2+2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ शूटर है। फ्रंट में भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है, उसके साथ साथ बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड्स हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट इरेजर, बैकग्राउंड ब्लर और फोटो रिमास्टर जैसे। सुपर स्लो मोशन पर भी वीडियोस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम मिलने वाला है, डॉल्बी एटमॉस की तरफ से सिंगल स्पीकर मिलेगा, सैमसंग के नॉक्स की सिक्योरिटी है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन का 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 19,999 रुपीज में इंक्लूडिंग बैंक ऑफर। और अगर आप विदाउट बैंक ऑफर भी परचेस करते हैं तो 21999 में स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है iQOO की तरफ से iQOO Z6 Pro और Vivo की तरफ से Vivo T1 Pro। इन दोनों स्मार्टफोन में से आप किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों में आपको बिल्कुल सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं iQOO Z6 Pro के स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको 6.44 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी। ये एक वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले है जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है, 1300 nits की पिक ब्राइटनेस भी मिल जाएगी और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। बात करें अगर प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G वाला पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलने वाला है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है और फ्रंट टचओएस 12 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4700mAh की बैटरी मिलने वाली है जो कि सपोर्ट करती 66W के फास्ट चार्जिंग स्पीड को। बात करें अगर कैमरा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64MP का है, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2MP का मैक्रो शूटर दिया गया है। फ्रंट में भी आपको 16MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा 30fps पे, उसके साथ साथ नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड और डुअल वीडियो मोड जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स के, तो VC कूलिंग सिस्टम मिल जाएगा, 4D गेम लीनियर वाइब्रेशन मोटर है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो इस
स्मार्टफोन का 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलने वाला है 19,999 रुपीज में इंक्लूडिंग बैंक ऑफर। नॉर्मली विदाउट बैंक ऑफर भी अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेस करने आते तो ये स्मार्टफोन आपको 20,000 से 21,000 के बजट में आराम से मिलने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर सेकंड पे जो स्मार्टफोन आता है वह Xiaomi की तरफ से Redmi K50i। वैसे तो नॉर्मली ये स्मार्टफोन 25,000 के आसपास है पर अगर आप बैंक ऑफर में या फिर सेल में परचेस करेंगे ना तो ये स्मार्टफोन आपको अंडर 20,000 के बजट में मिल जा रहा है, जो कि बहुत ही सही डील है अगर आपको गेमिंग करनी है, कॉम्पिटिटिव खेलना है या फिर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कोई ऐसा एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए। तो बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ पे आपको 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली लिक्विड FFS डिस्प्ले मिलने वाली है जो कि 144 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पे वर्क करेगी। 270 हर्ट्ज़ का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा। 650 निट्स की पिक ब्राइटनेस दी गई है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलने वाला है। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity 8100 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, MIUI पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5080mAh की बैटरी मिलने वाली है जो कि सपोर्ट करती है सुपर फास्ट 67W के टर्बो फास्ट चार्जिंग स्पीड को। बात करें कैमरे की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64MP का है, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2MP का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 16MP का सेल्फी शूटर मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके साथ साथ AI कैमरा, लॉन्ग एक्सपोजर और मैक्रो मोड जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की तो डॉल्बी एटमॉस की तरफ से डुअल स्टोरेज स्पीकर्स मिल जाएंगे, डायनेमिकली रैम एक्सपांड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, LPDDR5 की रैम मिलने वाली है, UFS 3.1 की स्टोरेज है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको सेल में देखने को मिल जाएगा 19,999 रुपीज में इंक्लूडिंग बैंक ऑफर। नॉर्मली अगर आप परचेस करने आते हैं तो 23,000 से 25,000 के बजट में यह स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Realme की तरफ से Realme 9 Pro Plus। तो दोस्तों अगर आपको 20,000 के बजट में कोई सा एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पे आपको स्टेबल स्पेसिफिकेशन मिल जाए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, जितनी भी स्पेसिफिकेशन मिले वो एकदम टॉप नॉच लेवल की हो, तो 9 Pro Plus आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होने वाली है। यहाँ पर आपको 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity 920 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलने वाला है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है और Realme UI पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4500mAh की बैटरी मिलने वाली है जो कि सपोर्ट करती है 60W के सुपर डॉट फास्ट चार्जिंग स्पीड को। बात करें कैमरे की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, सोनी का IMX766 वाला सेंसर और OIS का सपोर्ट भी दिया गया है, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2MP का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में अल्ट्रा स्टेडी मोड, नाइट मोड, लॉन्ग एक्सपोजर और अल्ट्रा वाइड मोड जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की तो डॉल्बी एटमॉस की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, एक्स एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर है, डायनेमिकली रैम एक्सपेंड करने का ऑप्शन भी दिया गया है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 17,999 रुपीज में इंक्लूडिंग बैंक ऑफर। और अगर आप नॉर्मली भी स्मार्टफोन को परचेस करते तो 20,000 से 22,000 के आसपास यह स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे लिस्ट का टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जिनकी प्राइसिंग आपको 20,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग और कंपनी के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।